न्यू स्टेंजर का SPB 2 के एम्पलीफायर। तो इस वीडियो में स्टेंजर का SPB 2 के एम्पलीफायर के ऊपर क्या क्या अपग्रेड किया गया है, क्या क्या न्यू ऐड किया गया है स्टेंजर के SPB 2 के में, इस वीडियो में बात करेंगे। और स्टेंजर के SPB 2 के एम्पलीफायर के ऊपर अपडेट के ऊपर मैं एक और वीडियो भी लेकर आया था, जो लोग नहीं देखे हो इस वीडियो में सारा कुछ बात करेंगे, इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप लोग जो स्टेंजर का SPB 2 के एम्पलीफायर देख रहे हो, ये मॉडल पहले आता था और अभी जो अपडेट कर दिया गया है वो वाला ये है, देख लीजिए। इसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए मैं आपको फ्रंट पैनल का रिव्यू भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको पहले देखिए स्टेंजर का SPB 2 के एम्पलीफायर जैसे कि लिखा हुआ था वैसे ही है। सेम आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स, लाइट इंडिकेटर्स आपको दिख रहा होगा। वॉल्यूम बटन, दो वॉल्यूम बटन आपको सेम दिख रहा है। दो पीक का LED एंड बीच में जो येलो कलर का LED था इसको चेंज कर दिया गया है, इसको अभी कर दिया गया है ब्रिज मोड का लाइट इंडिकेटर, ठीक है। अभी एम्पलीफायर के अंदर आप लोगों को ब्रिज मोड भी देखने को मिलेगा स्टेंजर के SPB 2 के एम्पलीफायर में। और येलो कलर के LED के नीचे ही जो क्लिक कंट्रोल का स्विच था उस स्विच को कर दिया गया है ब्रिज मोड का स्विच। जब स्विच को दबाएंगे तो ब्रिज मोड एम्पलीफायर का ऑन हो जाएगा, ठीक है। और ब्रिज मोड का जो वॉल्यूम होगा वो ऑपरेट होगा वॉल्यूम ए से, ठीक है। चैनल 1 का जो वॉल्यूम ए है उससे ही ब्रिज मोड का वॉल्यूम कंट्रोल होगा। और नॉर्मल टाइम में जब ब्रिज मोड ऑफ रहेगा तो चैनल बी से, जैसे नॉर्मल कंट्रोल होता है ए और बी दोनों ही कंट्रोल होगा, लेकिन जब ब्रिज मोड ऑन होगा तब वॉल्यूम ए से ही ब्रिज मोड का वॉल्यूम कंट्रोल होगा। तो ये था फ्रंट पैनल का अपग्रेड। बाकी चलिए बैक पैनल में आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो अभी आप जो ये बैक पैनल देख रहे हो, ये बैक पैनल पहले वाले स्टेंजर के SPB 2 के एम्पलीफायर का था, जो एकदम नॉर्मल था। और अभी जो अपडेट कर दिया गया है, अपडेट करने के बाद बैक पैनल अब कुछ इस टाइप का हो गया है। और उससे पहले बता देता हूँ इस एम्पलीफायर में अभी का प्राइस, अपडेट करने के बाद इस एम्पलीफायर का प्राइस और कितना लोड दे सकते हो वो भी बात करेंगे, लास्ट तक देखते रहिए। पहले आप लोग बैक पैनल में क्या अपडेट किया है देख लीजिए। तो अभी आपको बैक पैनल में कोई भी स्पीक ऑन का पोर्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको वायरिंग कनेक्शन के लिए जगह मिलेगा, ठीक है। आप इसमें आप स्पीक ऑन नहीं लगा सकते, आपको वायर लगाना पड़ेगा। और क्या अपडेट किया गया है देख लीजिए। यहाँ पर आपको अभी 4 इनपुट मिलेंगे। हम लोग क्या करते हैं, 2 से इनपुट देते हैं, कभी कभी 2 से आउटपुट भी ले लेते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हो। और यहाँ पर चैनल ए में आपको ब्रिज मोड के लिए ऑप्शन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जब एम्पलीफायर आप ब्रिज मोड में रन करना चाहते हो तो चैनल ए में आपको इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है। बी में अगर आप इनपुट करते हैं तो ब्रिज मोड काम नहीं करेगा, चैनल ए में ही आपको ब्रिज मोड के लिए इनपुट आपको देना पड़ेगा, तभी आपका ब्रिज मोड चालू होगा, ब्रिज मोड आपका चलेगा, ठीक है। ये चैनल ए का आपको ब्रिज मोड का आपको ऑप्शन आपको मिलता है, चैनल ए ही आपको ब्रिज मोड के लिए इनपुट देना है, चैनल ए से ही आपको आउटपुट लेना है, चैनल ए से ही आपको वॉल्यूम कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये गया इनपुट की बात। अभी आउटपुट यानी कि स्पीकर लगाने की बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोग नॉर्मल टाइम में चलाते हो, चैनल ए का प्लस माइनस से आउटपुट लेते हो स्पीकर में लगाते हो, चैनल बी का प्लस माइनस से आउटपुट लेते हो स्पीकर में लगाते हो, तो ये आपका नॉर्मल टाइम में वैसे ही चलेगा। जब आप ब्रिज मोड के लिए लेंगे तब आपको क्या करना है, चैनल ए का जो प्लस का वायर है वो आपका ब्रिज मोड में प्लस हो जाएगा, और चैनल बी का जो प्लस का वायर है वो आपको ब्रिज मोड में माइनस वायर हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे कि दूसरे एम्पलीफायर्स में ब्रिज मोड ऑन होता है तो वैसे ही सेम आपको मिलेगा। तो ये था आउटपुट के ऊपर अपग्रेड, ठीक है। तो सारा कुछ तो मैंने बता दिया, फ्रंट पैनल, बैक पैनल। अभी तो चलिए देख लेते हैं इसमें आप अभी लोड कितना दे सकते हैं और प्राइस। तो बात करें अगर आउटपुट पावर की, तो आउटपुट पावर में, नॉर्मल आउटपुट पावर में तो कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, जैसे पहले था। 2 ओम्स में पर चैनल 1000 वाट लोड, 4 ओम्स में लगभग 800 वाट, और 8 ओम्स में लगभग 500 वाट का आउटपुट अभी भी ये एम्पलीफायर देता है। बस यही अपडेट हुआ है कि अभी इसके अंदर ब्रिज मोड का फीचर ऐड कर दिया गया है। अभी ब्रिज मोड में ये एम्पलीफायर आपको 2000 वाट आउटपुट दे देगा, जो कि आप कनेक्शन कैसे करेंगे, तो एम्पलीफायर का जो फ्रंट पैनल है वहाँ से आपको ब्रिज मोड का स्विच आपको ऑन करना है। अभी आपको बैक पैनल में चैनल ए का जो प्लस है वो आपको स्पीकर के लिए प्लस हो जाएगा, और चैनल बी का जो प्लस है वो आपका स्पीकर के लिए माइनस हो जाएगा, ठीक है। स्पीकर आपको 1000 वाट के 2 स्पीकर लेने हैं, और स्पीकर के प्लस में और स्पीकर के माइनस में लगा देना है। चैनल ए का जो आउटपुट है, प्लस आउटपुट है, वो आपके स्पीकर के लिए प्लस हो जाएगा, और चैनल बी का जो प्लस आउटपुट है वो आपके स्पीकर के लिए माइनस हो जाएगा। 2000 वाट के स्पीकर आप लगा सकते हैं इसके ऊपर, काफ़ी अच्छे से ब्रिज मोड में ये वर्क करेगा। तो अभी आपके पास अगर 1000 वाट के 2 बेस है, 18 इंची के अगर आपके पास 1000 वाट के 2 बेस है, तो आप अभी
काफ़ी आराम से स्टैंजर के एसपीवी 2 के एम्पलीफायर में ही ब्रिज मोड को ऑन करके काफ़ी अच्छे से आप वर्क कर सकते हो। तो ये तो था ब्रिज मोड में आप कितना लोड दे सकते हो। अभी आप नॉर्मल में कितना वाट लोड दे सकते हो वो भी क्लियर कर देता हूँ। इसमें तो कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। जैसे आप इसमें अगर आप एक एक स्पीकर एक एक चैनल में चलाते हो, यानी कि जो 8 ओम्स में अगर आप इसमें वर्क करते हो, तो आप 500 वाट का एक एक स्पीकर एक एक चैनल में चला सकते हो। और बात करें अगर 4 ओम्स में लोड की, तो 4 ओम्स यानी कि अगर आप दो स्पीकर चलाते हो, जैसे कि डुअल टॉप होता है, अगर आप डुअल टॉप चलाते हो तो आप 400-400 वाट के स्पीकर वाले दो टॉप इसमें काफ़ी आराम से चला सकते हो। और बात करें अगर इसमें आप 2 ओम्स में लोड की, तो 2 ओम्स में तो 1000 वाट देता ही है, तो 2 ओम्स में आप 1000 वाट लोड दीजिए, लगभग आप इसमें 300 वाट के स्पीकर चलाइए, 300 वाट के स्पीकर वाला 4 टॉप डुअल टॉप आप इसमें आराम से चला सकते हो। ठीक है, तो ये तो था आउटपुट की बात, ब्रिज मोड का आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट, सारा चीज़ मैंने क्लियर कर दिया है। आई होप आप लोगों को और भी कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं हो सके तो आंसर दे दूंगा। और बात करें अगर अभी का प्राइस, स्टैंजर के एसपीवी 2 के एम्पलीफायर अपडेट करने के बाद प्राइस, तो इसका प्राइस थोड़ा सा आपको अभी देखने को ज़्यादा मिलेगा, 29 या फिर 30,000 रुपये आपको मिल सकता है स्टैंजर के एसपीवी 2 के एम्पलीफायर अभी का प्राइस। ठीक है, अपडेट करने के बाद प्राइस आपको 29 या फिर 30 देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी प्राइस काफ़ी बढ़ गया है एम्पलीफायर्स का, तो लगभग आपको 30,000 में आपको देखने को मिलेगा। आपने अगर ख़रीदा है तो कितने में मिला है कमेंट बॉक्स में बता कर जाना, और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।